अपर महानिदेशक सुरक्षा विनोद कुमार सिंह गुरुवार को ताजमहल पहुंचे। उन्होंने डीएम और एसएसपी समेत अन्य अधिकारियों के साथ ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि एडीजी ताज सुरक्षा विनोद सिंह सुबह गुरुवार ताजमहल पहुंचे। उन्होंने दशहरा घाट और मेहताबबाग में बने वॉच टावरों का निरीक्षण किया। यहां पर तैनात पुलिसकर्मियों और पीएसी के जवानों को चौकसी के निर्देश दिए। एडीजी ने ताजमहल के पूर्वी गेट, पश्चिमी गेट, येलो जोन पर भी पहुंचे। यहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डीएम नवनीत सिंह चहल और एसएसपी प्रभाकर चौधरी व अन्य अधिकारी भी साथ थे। एडीजी विनोद कुमार सिंह ने निरीक्षण के बाद अधीनस्थों से सर्किट हाउस में मीटिंग की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में दिए गए आदेश को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। दरअसल आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा ताजमहल के 500 मीटर के इलाके में सर्वे कर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी है, जिसको लेकर प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट। ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए एडीजी ताज सुरक्षा विनोद कुमार सिंह आज ताजमहल पहुंचे, जहां उन्होंने दशहरा घाट और मेहताबबाग स्थित वॉच टावरों का निरीक्षण किया, जिसके बाद से लगातार सुरक्षा की जो दृष्टि है ताजमहल को लेकर, उसको लेकर अधिकारी चिंतित नजर आ रहे हैं। एडीजी ताज सुरक्षा विनोद कुमार सिंह के दौरे के समय आगरा जिले के सारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं, वो साथ रहे। एसएसपी, डीएम, सारे लोगों ने ताज की सुरक्षा व्यवस्था को परखा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद ताजमहल की 500 मीटर की परिधि के अंदर व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद से आगरा विकास प्राधिकरण को एक रिपोर्ट सौंपनी है। उस रिपोर्ट को भी लेकर आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा ताजमहल का सर्वे किया जा रहा है। फिलहाल सर्किट हाउस में एडीजी विनोद कुमार सिंह अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी शामिल हैं और उनको दिशा निर्देशित किया जा रहा है किस प्रकार ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो गाइडलाइन केंद्र सरकार की है उसको फुलफिल किया जा सके। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी जल्दी से जल्दी आगरा विकास प्राधिकरण सर्वे करके पूरा करना चाहता है। अपने साथी कैमरा पर्सन रंजीत चौहान के साथ मैं अमित शर्मा, प्रातः दर्पण न्यूज़ आगरा।